क्योंकि हमारा ये 5 दिवसीय किसान मेला है जो पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए चलेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वाइस चांसलर सर से, सर प्लीज स्टार्ट द मीटिंग। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। ये मेला जैसे बताया 7 से 11 तारीख का होगा, 5 दिन का, और ये भी एक अपने आप में अनूठा मेला है क्योंकि देश के किसी कोने में बड़ी बस्ती हो जो भी पुरानी हो, यानी 5 दिन का मेला नहीं है। तो यहाँ पहले 2 दिन का मेला हुआ करता था और उससे किसान भाइयों को कोई खास फायदा हो नहीं पाता था। आज इनॉग्रेशन होता था, अगले दिन वो खत्म हो जाता था। तो हमने इसको 5 दिवसीय मेला किया है, 7 से 11 तारीख तक होगा। और माननीय एस जी महोदय श्री मनोज सिन्हा जी इसका उद्घाटन करेंगे 11 तारीख। और इसमें यहाँ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के फार्मर नहीं, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से और मध्य प्रदेश से, इनकी हमें जानकारी है कि क्षेत्रों से किसान भाई आ रहे हैं। और उसका कारण एक ये भी है कि पिछले सालों में हमने वेराइटी निकाली, पिछले 2020 में हमने जो है 12 वेराइटी निकाली और अभी पहले जनवरी में हमने जो है 9 वेराइटी निकाली। वैराइटीज की जो ख्याति दूर तक फैली उसके लिए भी किसान भाई जो है किसी से बीज लेने के लिए यहाँ आते हैं। जैसे मैं एक वैरायटी बताऊँ तो जम्मू 118 है जो बासमती की वैरायटी है, चावल की उसकी बड़ी डिमांड है, वो कम समय में पक जाती है। और गेहूं धान के जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें किसानों को अच्छा समय मिल जाता है, तो बड़ी प्रसिद्ध हो रही है। बीकानेर की हमारी वैरायटी, वालनट की वैरायटी, इसी तरह से बहुत सारी वैरायटी हमने निकाली है, उसके कारण भी किसानों का जो है यहाँ पर आते हैं। तो इसमें जो और मेलों की भांति इसमें 3-4 तरह के प्रोग्राम हैं। एक तो इसमें सहभागिता जो हो रही है सारे डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी जो है हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के अलावा, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सीप, ये सभी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं, इनपुट कंपनीज हैं, सीप चीज़ है, प्लांटिंग मेटेरियल भी हैं, वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। और जो इसका एक खासियत ये है कि कुछ इनोवेटिव फार्मर दूसरे क्षेत्रों से भी यहाँ आके अपने स्टॉल लगा रहे हैं, एनजीओ लगा रहे हैं। इसमें जो टॉपिक रखा गया इस बार, इसमें एक खासियत ये है कि जो हमारी प्राकृतिक खेती से लेके आधुनिक खेती तक का इसमें बात होगी। और आपको पता होगा जो इस साल का बजट भी एग्रीकल्चर का फोकस किया गया है वो हमारा प्राकृतिक खेती से ड्रोन टेक्नोलॉजी तक है। इसमें प्राकृतिक खेती में क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से हमारे जलवायु को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हमारी जमीन को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हम लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, तो उस तरह की कैसी खेती होनी चाहिए उसमें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इन सारी चीज़ों पर भी बात होगी। हाइड्रोपोनिक पे इस पर बात होगी, इस तरह की सारी चीज़ों पर इसमें चर्चा यहाँ पे होगी। और हर दिन कोई ना कोई एक जो है कार्यक्रम इसमें रखा गया है, जैसे एक दिन बीच पे कार्यशाला रखी,
क्योंकि बीज यहाँ के लिए बहुत ही हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीड रिप्लेसमेंट रेट यहाँ पर सिर्फ 12 से 26% है, जबकि एक सीड का ही जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन में 25% होता है। उसको देखते हुए यहाँ पर हमने कार्यशाला रखी है। कार्यशाला में इंडस्ट्री भी रहेगी, वैज्ञानिक भी रहेंगे, हमारा एक बीट और बार्ले का इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर आ रहे हैं, ICAR का एक इंस्टीट्यूट है सीड का मऊ में यूपी में, वहाँ से वहाँ के डायरेक्टर आ रहे हैं, और ऐसे ग्रोवर्स भी जो किसान हैं वो ग्रोवर्स भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री भी आ रही है, कैसे सीड सस्टेनेबिलिटी इस क्षेत्र में लाई जाए एक दिन उस पर चर्चा हो। दूसरा यहाँ के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है मधुमक्खी पालन, और छोटे किसान हैं कम जोत है तो उनके लिए ऐसा एक व्यवसाय है कि बिना जमीन के भी किसान भाई अपनी आमदनी ले सकते हैं। मधुमक्खी पालन पे एक कार्यशाला रखी गई है और उसमें बोर्ड ऑफ इंडिया है भारत सरकार का, उनके माध्यम से इसको रखा गया है। इस किसान को मैंने चर्चा की थी कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है तो प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर जोर देना होगा, और यहाँ तक हमारा उत्पाद देश में नहीं विदेशों में भी जाए इस पर जोर देना होगा। इसके लिए एपीडा की माध्यम से कार्यशाला रखी गई है कि किस तरह से किसान, क्योंकि जो संभावना यहाँ है दूसरे क्षेत्रों में नहीं, जम्मू कश्मीर